हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस के 70 स्मार्टफोन पर। आप अगर बीटा 2 यूज़ कर रहे हैं, इसका ओपन बीटा, इसमें आपको यूटिलिटी के अंदर जो ऑप्शन मिलता था डीसी डिमिंग का, वो फ़िलहाल में वन प्लस लेबोरेटरी का डिसेबल देखने को मिल जाता है। तो कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो ये आप मेरा डिवाइस कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के साथ में आई हुई USB केबल की, और आपको अपने PC या फिर लैपटॉप की। इसके लिए आपको बता दूँ, इसमें आपको रूट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको मैं मेथड बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने डिवाइस पर इसे इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं, ये दो फाइल्स हैं जो आपको अपने PC पर डाउनलोड करनी है। इसकी आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे आपको सिंपली आना होगा मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। अबाउट फ़ोन पर आपको टैप करना होगा, बिल्ड नंबर पर 4 से 5 बार जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पासवर्ड पूछेगा, वो आपको डाल देना है। ये चीज़ डाल देने के बाद में आप वापस आएंगे और उसके बाद अपने सिस्टम पर टैप करेंगे, और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर आपको USB डीबगिंग नाम का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। अब आपको सिंपली अपने कंप्यूटर पर आ जाना है और इन दोनों फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक एक करके आप कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट ऑल करके यहाँ पर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और इसी के साथ में आप यहाँ पर दूसरी फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा करके यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर दोनों ही फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फोल्डर यहाँ पर बन करके आ चुके हैं। इन दोनों फोल्डर में आपकी फाइल हैं। तो अब मैं यहाँ पर USB केबल का एक सिरा लगा देता हूँ अपने PC में, और इसका जो दूसरा सिरा है वो अपने मोबाइल फ़ोन में मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में USB डीबगिंग नाम के ऑप्शन को यहाँ पर मैं इनेबल कर देता हूँ, और इसके बाद अब आ जाना है कंप्यूटर पर। यहाँ पर वन प्लस USB नाम का जो फोल्डर है उसे ओपन करना है। इसे पहले आपको सेटअप कराना है, क्योंकि ये एक वन प्लस USB का ड्राइवर है जिसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कराएंगे। तो इसके इंस्टॉलेशन के द्वारा ही आपका डिवाइस आपके PC से कनेक्ट हो पाएगा। इसके बाद आपको सेकेंडरी फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ पर ADB को आपको रन कराना होगा। फिलहाल में ADB आपकी कुछ इस तरीके से रन करेगी, परंतु ये पूरी तरह से रनिंग में नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पर USB को दोबारा से इनेबल कराना होगा, और उसके बाद में यहाँ पर इस फोल्डर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करना है माउस से। उसके बाद आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर खाली जगह पर अपने माउस की राइट की के साथ में कीबोर्ड की शिफ्ट की को एक साथ होल्ड एंड प्रेस करेंगे, और यहाँ पर ओपन पावर सेल विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी, और अब आपको यहाँ पर ADB स्पेस सेल लिख करके चेकआउट कर लेना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको कमांड देने के बाद में एंटर की एक बार दबा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, डीमोन नॉट रनिंग स्टार्ट इज नाउ ऑन पोर्ट, और इसी के साथ डीमोन स्टार्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा, इसमें आपको टिक करना है और अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद में अब आप लिखेंगे ADB स्पेस और देंगे आप सेल, उसके बाद में इंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस 70 डिवाइस लिखा हुआ देखने को मिल गया है। अब इसके बाद आपको एक कमांड डालनी होगी जो कि मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिख कर रखी है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर नीचे देखने को मिल रही होगी। इसे आपको सिंपली
कुछ इसी तरीके से लिखना होगा। स्पेस की जगह पर आपको स्पेस देना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बार दिए गए हैं, वो सभी आपको बिल्कुल ही करेक्टली लिखने होंगे। और यहाँ पर आपको लिख देना है कुछ इस तरीके से, मैंने इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर इंटर की को प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ डीसी डिमिंग मेरे मोबाइल फ़ोन पर आ चुका है कम्प्लीटली। अब आप डीसी डिमिंग के ऑप्शन को देख सकते हैं, मैंने इनेबल करके रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ स्क्रीन पर लाइंस आने लगी हैं। और अगर मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कोई भी लाइंस नहीं आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से आप डीसी डिमिंग के फीचर्स को अपने मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर इनेबल करा सकते हैं। तो ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।